अपनी ही फिल्म में काम के लिए करोड़ों लेते थे राम रहीम, जाने कितनी लेते थे रकम। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह हिंसा को दो साध्वियों के साथ बलात्कार करने की वजह से 20 साल के सश्रम कारावास की सजा मिल चुकी है। लेकिन राम रहीम के बारे में एक अजीब खुलासा हुआ है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो अपनी फिल्मों में एक्ट करने के लिए 43 करोड़ रुपए लिया करता था। आज तक की एक रिपोर्ट के अनुसार डेरा प्रमुख अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी हकीकत एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड से 6 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिया करता था। अपने प्रोडक्शन बैनर के अंतर्गत उन्होंने MSG द मैसेंजर ऑफ गॉड, MSG द लॉय एंड हर्ट, 2002 इंजीनियर और हिंद का नापा को जवाब जैसी फिल्में बनाई हैं। राम रहीम ने बड़े पर्दे पर साल 2015 में MSG के जरिए एंट्री की थी। फिल्मों में लीड रोल निभाने के अलावा वो को डायरेक्टर तो सिनेमाटोग्राफर को एडिटर, सॉन्ग राइटर और स्टंटमैन के तौर पर क्रेडिट लिया करता था। यह फिल्म एक ऐसे आध्यात्मिक नेता पर आधारित थी जो ड्रग्स और लिंग संबंधी मसलों को खत्म करता है। राम रहीम की आखिरी फिल्म जटू इंजीनियर इसी साल मई में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक अविकसित गांव की कहानी दिखाता था जिसे गरीबी, बेरोजगारी और ड्रग ने अपनी चपेट में लिया था। इसके बाद एक शिक्षक गांव वालों के भाग्य को बदलने की कोशिश करते हुए कैसे उनके जीवन स्तर को सुधारता है, यही फिल्म की कहानी थी। जटू इंजीनियर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान पर भी रोशनी डाली गई थी। 2 सितंबर 2017 को भारतीय फिल्म और टेलीविजन निर्देशक संस्था IFTDA और सिने और टीवी कलाकार एसोसिएशन सिन्टा ने सिंह पर बैन लगा दिया था जिससे कि वो भविष्य में किसी प्रोजेक्ट पर काम ना कर सकें।